गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी और इरशाद जहां फर्जी मुठभेड़ मामले के आरोपी डीजी वंजारा ने राजनीति में जाने का मन बना लिया है। हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने वंजारा से इस केस और उनके फ्यूचर प्लान के बारे में बातचीत की है। डीजी वंजारा सिर्फ नाम ही काफी है। गुजरात के बहुचर्चित इरशाद जहां एनकाउंटर हो या फिर शोराबुद्दीन शेख एनकाउंटर हो, 8 साल जेल में रहने के बाद और 1 साल गुजरात के बाहर रहने के बाद वंजारा अब अपने घर आए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीजी वंजारा साहब खुद। डीजी वंजारा साहब, आज तक में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। 9 साल बाद आपकी घर वापसी हुई है, अब तक आप बेल पे रिहा हुए, अभी लगता है आगे ट्रायल चलना बाकी है, ट्रायल में बच पाएंगे आप? हाँ सही बात है, अभी तो बेल पर हम आए हैं और ट्रायल चलने बाकी है, तो ट्रायल में तो देर इज अ रूल ऑफ लॉ, देर इज अ सफिशिएंट स्कोप फॉर फेयर एंड जस्ट ट्रायल, तो हम ट्रायल फेस करेंगे या तो कानून के अंतर्गत जो भी कुछ रास्ते हैं उन रास्तों के माध्यम से ये ट्रायल में से हम सक्सेसफुली बाहर आएंगे, हमें पूरा भरोसा है। सर, आप 9 साल तक जेल में रहे, तो इसके लिए पॉलिटिकली किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? 9 साल तक हम जेल में रहे तो पॉलिटिकली पूरा रेंज ऑफ पॉलिटिशियंस है अपने पूरे देश में, द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिशियंस, हम सब के सब पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार मानते हैं। कैसे? क्योंकि सारे पॉलिटिशियन किस तरीके से, फेक एनकाउंटर जो हुआ आपके गुजरात पुलिस की टीम ने किया था, आप उसको लीड कर रहे थे। फेक एनकाउंटर हुआ ये तो ये बाद में जिन लोगों ने इंक्वायरी की और इन्वेस्टिगेशन किया इन लोगों ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर थे। सचमुच में मैं पहले से कहता आया हूँ और अभी भी कहता हूँ कि हमारे एनकाउंटर जेन्युइन थे, फेक नहीं थे, लेकिन ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चली इस देश के अंदर और इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार गुजरात पुलिस बनी है, मैं खुद बना हूँ। सर, आप खुद को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार बता रहे हैं, आप जब जेल के अंदर थे तब आपने एक लेटर लिखा था उस वक्त की मोदी सरकार को, और लेटर पे क्या अब भी आप कायम है? आपने उस वक्त अमित शाह और उस वक्त की मोदी सरकार को ब्लेम किया था आपकी जेल पे रहने की वजह से। मैं जब जेल में था उस वक्त मैंने एक पत्र लिखा था और पत्र में जो भी लिखा था वो आपने भी पढ़ा है, पूरी दुनिया ने उस वक्त पढ़ा है और बहुत कुछ उसकी प्रसिद्धि हुई थी। जो भी मैंने लिखा है वो लिखा है, जो लिखा है वो नहीं लिखा हो नहीं सकता, लेकिन मुझे सिर्फ यही कहना है कि अभी समय और संजोग बदले हैं, मैं अतीत में नहीं जीता हूँ, पत्र लिखा है वो सही बात है लेकिन मैं वर्तमान में जीता हूँ। लेकिन आपने पत्र में लिखा था कि अमित शाह ने जो ऑफिसर्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, उस वक्त वो गृह राज्य मंत्री थे। नहीं, वो तो पत्र में हमने लिखा है, जो भी लिखा है वो लिखा ही है, बिल्कुल लिखा है और हमने जो भी लिखा है तो मैं तो उसको, अभी आप बने हुए अपने पत्र पे अब भी बने हुए। मैं, मेरी प्रकृति ऐसी है, मैं आदमी ही इस प्रकार का हूँ कि एक दफा बोलता हूँ या तो लिखता हूँ या तो कुछ करता हूँ उसके ऊपर मैं कायम रहता हूँ। तो हाल ही में अभी आप आरएसएस की मीटिंग हुई थी अहमदाबाद के अंदर, आप मोहन भागवत जी से मिले थे, और अब क्या उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 2017 के इलेक्शन में आपको हम पॉलिटिक्स में देखेंगे? ये जो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यक्रम हुआ था वो वर्ष प्रतिपदा का उत्सव था और मेरी उस उत्सव में उपस्थिति थी। आप कहते हैं कि हमारी मुलाकात माननीय श्री मोहन जी भागवत से हुई है, तो ऐसी मुलाकात उनके साथ नहीं हुई है लेकिन उनके कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा जरूर हूँ। और रही बात चुनावी राजनीति की, तो मैंने ये स्पष्ट कहा है कि मैं जाहिर जीवन में हूँ, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, लेकिन यदि चुनाव लड़ने की परिस्थिति खड़ी हो तो वो ऑप्शन भी मेरे लिए खुला है। मतलब हम कह सकते हैं कि खाकी में तो हमने आपको देखा है, अब खादी में भी देखेंगे आपको? जरूर देखेंगे। 2017 के चुनाव में क्या आपको किसी एक सीट से, हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से खड़े रहते हुए देखे तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, मैं चुनावी राजनीति में, क्योंकि चुनावी राजनीति में यदि मुझे आना है तो पक्ष की तो आवश्यकता होगी, तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके बारे में अभी कोई मैंने कोई विचार नहीं।
दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15